आयुर्वेद में माइग्रेन का इलाज कैसे करते हैं? हम सभी जानते हैं कि माइग्रेन का दौरा कितना दर्दनाक और तकलीफ देह हो सकता है। माइग्रेन के मरीज अक्सर ओवर द काउंटर पेन किलर दवाइयों का इस्तेमाल सिर दर्द से राहत पाने के लिए करते हैं, लेकिन इन दवाइयों के कई दुष्परिणाम होते हैं। ऐसी स्थिति में आयुर्वेद निश्चित रूप से एक प्रभावी और सुरक्षित समाधान प्रदान कर सकता है। आइए जान लेते हैं कि आयुर्वेद माइग्रेन में कैसे मददगार हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार अन्य सभी बीमारियों की तरह माइग्रेन भी दोषों के असंतुलन की वजह से होता है। वात, पित्त और कफ के बढ़ने के कारण तेज दर्द, आंखों में लालिमा और जलन होती है। आयुर्वेद कहता है कि माइग्रेन के लक्षण पेट की गड़बड़ी से उत्पन्न होते हैं। माइग्रेन के मरीजों में पाचन संबंधी समस्याएं अक्सर पाई जाती है। आयुर्वेद के अनुसार उत्तम पाचन स्वास्थ्य की कुंजी है। माइग्रेन के इलाज में आयुर्वेद एक समग्र दृष्टिकोण का उपयोग करता है। इसमें पंचकर्म प्रक्रियाओं द्वारा शरीर शुद्धि, वनस्पतियों से निर्मित औषधि के साथ आहार और जीवन शैली में बदलाव शामिल है। पंचकर्म प्रक्रियाएं जैसे विरेचन, शरीर से आम या विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और दोषों को संतुलित करने में मदद करती है। अच्छी तरह से पंचकर्म करने से भूख बढ़ने के साथ ही पाचन में सुधार होता है। पंचकर्म की अन्य प्रक्रियाएं जो माइग्रेन में लाभकारी है वह है नस्य। तनाव कम करने के साथ ही इसमें दिमाग को पोषण देने के लिए औषधि सिद्ध तेलों और घी का उपयोग किया जाता है। वनस्पतियों से बने हुए औषधि योग दोषों को संतुलित करने और दर्द मितली जैसे अन्य लक्षणों में जल्दी राहत प्रदान करने का काम करती है। इसे प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद कई वात और पित्त शामक औषधियों का उपयोग करता है। ये एसिड अल्कली संतुलन बनाए रखते हैं और पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं। इनके साथ ही आयुर्वेद आहार और जीवन शैली में बदलाव की भी सिफारिश करता है। पित्त शामक आहार माइग्रेन ट्रिगर करने वाली चीजों का सेवन कम करने से भी माइग्रेन के दौरों में कमी आ सकती है। ये बदलाव शरीर के संतुलन को बनाए रखने और लंबे समय तक रोग मुक्त रहने में मदद करते हैं। आयुर्वेद का यह अनोखा तरीका बीमारी के मूल कारणों को दूर करके लंबे समय तक राहत दिलाने में मदद करता है।